हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, बहुत से लोग एक्सरसाइज के लिए पूछ रहे हैं कि कैसे स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। जैसे मैं कोई सा आसन बता रही हूँ, मैंने पेट की बताई है तो जो है, या फिर आसन लगाना बता रही हूँ तो डायरेक्टली उसको कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे क्या होता है कि आपके स्प्रेन आ सकता है, कहीं भी थाइज में पेन आ सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है, कहीं भी आपके स्प्रेन आ जाएगा, झटका आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, कभी भी एक्सरसाइज को बिना वार्म अप किए किसी भी आसन को नहीं लगाते हैं। तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी, वार्म अप एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है आसन लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप हल्का हल्का सा वार्म अप कर लिया कीजिए पहले, और फिर आसन लगाया कीजिए। देखिए, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, आप सिर्फ 15 मिनट की एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप 5 मिनट कदम ताल कीजिए। देखिए, कदम ताल मैंने आपको बताई है, देखिए ऐसे हाथ और पांव दोनों चलाना होते हैं कदम ताल में। तो इसको आप 5 मिनट कीजिए, उसके बाद फिर आप 10 मिनट का आसन लगा सकते हैं या पेट वगैरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज अगर आप एक घंटे की करना चाहते हैं या पौने एक घंटे की, या आप आसन रोज लगाना चाहते हैं किसी चीज पर्टिकुलर किसी चीज के लिए कर रहे हैं, जैसे आप डायबिटीज के लिए कर रहे हैं, पीसीओडी पीसीओएस के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके पहले आपको फुल बॉडी वार्म अप करना बहुत जरूरी है। फुल बॉडी वार्म अप होता है सर से लेकर पैर तक की एक्सरसाइज। तो इसको हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही किया जाता है, वार्म अप हमेशा सिर से लेके पैर तक किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे अपन पहले सर को करेंगे। पहले नेक मूवमेंट और सिर एक साथ आता है दोनों। देखिए, दोनों हाथ यहाँ रख लीजिए आप, इजी। अब देखिए, दोनों नेक मूवमेंट करेंगे। आप लोग धीरे धीरे कीजिएगा, बिगिनर्स है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज करने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन, मतलब आसन लगाने के लिए आपको बॉडी को तैयार करना पड़ता है, तब वो जाके उस चीज को एक्सेप्ट कर पाती है, नहीं तो कहीं भी पेन दे देगी, कहीं भी आपको दर्द दे देगी। अब देखिए, साइड में कर लीजिए, ये देखिए, आप इसको कम से कम 10-10 टाइम्स करेंगे। अप डाउन कर लीजिए, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, सर्कल घुमा लीजिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 5-5 बार। स्लो स्लो कीजिए, आंखें खुली रहेंगी, आंखों से भी आप चारों तरफ देखेंगे, नेक मूवमेंट के साथ साथ आंखें भी आप चारों तरफ घुमाएंगे, तो आंखों की भी एक्सरसाइज होगी। अब इसको अपोजिट कर लीजिए, ये देखिए, अब आप अब देख लीजिए, ऊपर देख के आसमान को पाउट बना के किस कीजिए। इसमें स्टे कीजिए 10 सेकेंड्स, ऐसे करके 3 बार कीजिए ऊपर मुंह ले जाके, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी नेक मूवमेंट और हेड की एक्सरसाइज। अब आती है शोल्डर की, इसके बाद आता है नेक के बाद शोल्डर। शोल्डर के लिए देखिए, आप दोनों हाथ ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है, इस हाथ को इधर पुल कीजिए, ये फ्री छोड़ दीजिए, रिस्ट में से पकड़ लीजिए, फिर इस हाथ को पकड़ लीजिए, इसको थोड़ा फ्री छोड़ दीजिए और इधर पुश कीजिए। ये देखिए, इधर खींचेंगे पुल करेंगे, इधर खींचेंगे इसको पुल करेंगे, फिर इस हाथ से इसको पुल करेंगे, ऐसे ऐसे कम से कम आप 3-3 टाइम्स दोनों साइड से कर लीजिए। अब ये हो गई आपकी शोल्डर की, ठीक है। वो शोल्डर में एक और करते हैं, देखिए यहाँ पे हाथ रख के ऐसे ऐसे घुमाते दोनों हाथ, यस, इसको अपोजिट दोनों साइड से कर लीजिए, ठीक है। अब ये हो गई शोल्डर की, अब आपको करना है हाथों की, ये बाहों की, देखिए आर्म्स की। इसके लिए आप पीछे जाइए, आगे आइए, बहुत सारी है फ्रेंड्स, मैं कुछ बता रही हूँ आपको जनरल। तो ये हाथ शोल्डर लेवल पे रहेंगे, घुमाइए इधर उधर, फिर इसके लिए आप स्विमिंग कर लीजिए। ये देखिए, दोनों में आपका शोल्डर और ये आर्म, ये दोनों चल रही है, ये दोनों मूवमेंट ले रही है, ठीक है, ये देखिए। अब इसके बाद आती है फिंगर्स, ये हाथ कोहनी से लेके यहां तक, फिंगर्स चला लीजिए, मुठ्ठियां बंद करिए, खोलिए। देखिए, डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छी है मुठ्ठियां बंद करना, खोलना। खाना खाने के पहले आप 20 बार अगर कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपका इंसुलिन कम हो जाता है, मतलब लेना वर्बली, जो ओरली इंसुलिन आप ले रहे हैं ऊपर से, वो कम हो जाएगा, पेंक्रियाज आपका इंसुलिन फॉर्म करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लीवर और पेंक्रियाज के पॉइंट होते हैं। अब देखिए, ये देखिए, दोनों हाथ ऐसे घुमा लीजिए, अपोजिट घुमा लीजिए, ये देखिए, ये हो गया। अब आप कमर को गोल घुमा लीजिए,
चारों तरफ फ्रंट साइड बैक साइड, फ्रंट साइड बैक साइड ऐसा घुमा लीजिए धीरे धीरे स्लो स्लो करते करते, और थोड़ी फिर स्पीड से घुमाइए। कम से कम इसको 20-20 टाइम्स घुमाना है। अब अपोजिट घुमा लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, देखिए साइड बैक साइड फ्रंट, साइड बैक साइड फ्रंट, यही इसका क्रम रहता है। ये देखिए गोल गोल घुमा लीजिए। अब आती है थाइस की बारी, तो थाइस के लिए कर लीजिए, देखिए ये बजा लीजिए, इधर कर लीजिए, फिर ये पांव इधर, फिर ये पांव इधर, ये पांव इधर, ये पांव इधर, फिर ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है, ये हो गई थाइस की। अब थाइस के साथ साथ पूरे लेग्स की कर लेंगे एक साथ। ये देखिए हाथ ऊपर पांव भी ऊपर, ये दोनों हाथ और पांव एक साथ आएगा। अब दोनों को टच करना है, अगर आप बिगनर से नहीं टच करा जा रहा है तो इतना इतना कीजिए, लेकिन घुटना एकदम सीधा रहेगा, घुटना स्ट्रेट रहेगा, नी स्ट्रेट। ये देखिए ऐसे कर लीजिए, फिर 20 टाइम्स इस साइड से करके फिर 20 टाइम्स इधर से कीजिए। ये खाली देखिए बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज है ये, लेकिन हाँ इससे आपका फैट भी लॉस होता है, इससे भी बहुत सारा, सिर्फ वार्म अप करने से ही आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो आप एक्सरसाइज इसके बाद आसन ना भी लगा पाए तो यही एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, वार्म अप एक्सरसाइज। अब उसके बाद देखिए साइड से कर लीजिए, ये हाथ भी नीचे जाएगा, पांव भी, पांव और हाथ दोनों साथ में। अब ये वाला इधर वाली लेग से हाथ और पांव दोनों साथ में नीचे आएंगे। देखिए अब इसी को बैक कर लीजिए पीछे से, अब आप थोड़ा सा जंप कर लीजिए। देखिए जंप ऐसे जंप 20 टाइम्स साइकिलिंग वाला जंप, 20 टाइम्स जंपिंग जैक्स। अब फ्रेंड्स आपकी बॉडी पूरी तरह से आसन लगाने के काबिल है। अब आप कोई सी भी एक्सरसाइज, कोई से पुशअप्स और प्लैंक्स कुछ भी आप कर सकते हैं इसके बाद। तो फ्रेंड्स स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।